हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम इसमें क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्रॉप प्रोडक्शन की जो ज़रूरत पड़ी है वो हमारे इंडिया से लेकर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक लार्ज पॉपुलेशन रहता है, ठीक है। और लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें बड़े पैमाने पे अन्य उत्पादन करने की ज़रूरत थी। अब अन्य उत्पादन करना है तो अन्य उत्पादन करना कैसे संभव हुआ, किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला तो वाई वी नीड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन और वाई डू वी डू क्रॉप प्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज द क्रॉप प्रोडक्शन, वाई इट इज़ नीडेड। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहला तो हम बात करते हैं कि फूड जो हैज़ टू बी द प्रोड्यूस्ड ऑन द लार्ज स्केल। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी पूरे वर्ल्ड को जो पॉपुलेशन है उसे हमें क्या प्रोवाइड करना है, फूड। क्या प्रोवाइड करना है? फूड। अब फूड प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। तो कैसे प्रोडक्शन करना होगा, तो रेगुलर प्रोडक्शन होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, इतने बड़ी आबादी को हम लोग फूड प्रोवाइड कर पाते हैं। अब फूड प्रोवाइड करवाने के लिए हमें और भी बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, जैसा कि हम बात करते हैं आगे। इसमें सबसे पहला आता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो हमारे वर्ल्ड में हो रही थी वो करीब 10,000 साल BC से हो रही है, ठीक है। जब लोग क्या करा करते थे, इससे पहले लोग क्या करते थे, नोमैडिक होते थे। इससे पहले लोग क्या होते थे, नोमैडिक। नोमैडिक दैट मीन्स उनको खाना है, आज यहाँ खा लिए, आज यहाँ के फल फ्रूट खा लिए तो कल कहीं और, परसों कहीं और, इस तरीके से क्या होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने हंटिंग करना शुरू करा। हंटिंग करके क्या होता था, जंगल में जो भी जानवर होते थे उसे खाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो क्या किए, जो खाने की जो सामग्री थी उसे प्रोड्यूस करना शुरू किया। अब उसमें जो प्रोडक्शन शुरू हुआ स्टार्टिंग में, वो राइस और व्हीट का शुरू हुआ। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि प्रोडक्शन, तो यहाँ पे एक टर्म है क्रॉप। अब क्रॉप किसे कहें, तो क्रॉप हम वैसे फसल को कहते हैं जब सेम टाइप का, जैसे अगर बात करें धान का तो सिर्फ धान का यानी पैडी, एंड अगर बात करें गेहूं यानी व्हीट, तो अगर एक बड़े पैमाने पे बड़े से एरिया में अगर हम सिर्फ एक ही तरह के फसल को, या कह सकते हैं प्लांट को ग्रो करें, कल्टीवेट करें, तो वो क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। यहाँ पे जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज़ क्रॉप, तो क्रॉप को हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट द वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड द क्रॉप्स। तो ये हम कह सकते हैं कि क्रॉप का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रॉप के बारे में समझें। अब बात करते हैं क्रॉप है क्या चीज़, तो बहुत सारे हैं, जैसे आपको जो भी फसल आप बड़े स्केल पे ग्रो करते हैं वो क्या होगा, आपका क्रॉप होगा। अब आगे देखते हैं हम कि क्रॉप तो हमने समझ लिया, अब क्रॉप को भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे हम बात कर लें कि हमारा जो भी है यहाँ पे सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, ये सारे के सारे क्रॉप्स ही है, ठीक है। तो हम किस तरीके के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कहाँ पे, अब ये सारी चीज़ों डिपेंड करती है कि किस एरिया में, किस टेम्परेचर में, कैसे इन्वायरमेंट में ये सारे फसल ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारा जो फसल होता है यानी क्रॉप्स जो होता है ग्रो करने के लिए डिपेंडेंट होता है। वो डिपेंडेंट किस पे होता है, तो सबसे पहला तो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें होते हैं, तो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, रेनफॉल होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है
अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं जैसे बिहार के लोग, तो बिहार में क्या होता है, कब रेन होता है, कब रेनी सी आई मीन रेनी सीजन होता है, कब समर सीजन होता है, कब ये सारी चीज़ें। और भी दूसरे कंट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे यही टेम्परेचर वेरी करता है, वहाँ के सॉइल डिफर होते हैं, वहाँ का जो ह्यूमिडिटी होती है वो सारे डिफर होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के फसल उगाए जाते हैं। हम जैसे इंडिया की ही बात करें तो इंडिया का एक जैसे हम हिमाचल प्रदेश ले लें, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, जैसे वहाँ पे धान की खेती, या कह सकते हैं कि वहाँ पे जो धान की खेती होगी, गेहूं की खेती, इस तरीके से गेहूं की खेती उधर नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, और टेम्परेचर लो होने के कारण वहाँ पे ज़्यादातर फ्रूट्स का जो भी होता है बिजनेस होता है, या ग्रो किया जाता है क्रॉप्स होता है। जैसे हम बात करें तो वहाँ एप्पल ग्रो किया जाता है, लेकिन यही बात करें कि हिमाचल प्रदेश में जो फसलें जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो आपका हम बात करें तो बिहार बंगाल ये सब जगह में वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का सॉइल, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन डिफर है और भी जगह से। इसलिए वहाँ जो फसल ग्रो करते हैं दूसरे जगह नहीं कर सकते हैं। और हम बात करें कि साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में अगर बात करें तो वहाँ पे नारियल का जो भी होता है बहुत बड़े पैमाने पे क्रॉप लगाए जाते हैं, उसको वहाँ पे उसका। और भी बात करते हैं, अब देखते हैं कि डाइवर्सिटी, अब तो हर एक कंट्री में डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी को देखते हुए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो तरह के क्रॉप्स के बारे में, पहला है खरीफ क्रॉप, दूसरा है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं, तो खरीफ क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे याद रखेंगे कि खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, तो द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ये शॉर्ट में याद रखें। अगर और भी आगे जानना है कि खरीफ क्रॉप्स के बारे में एक एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन करने की बात करते हैं तो हम यहाँ पे और भी बोल सकते हैं कि खरीफ क्रॉप, चलिए ठीक है, हम ये इसको रेनी सीजन में सोन करते हैं। रेनी सीजन में सोन करना है मतलब कि वो सितंबर टू सॉरी जून टू सितंबर इसको हम लोग सोन करते हैं, और इसकी जो कटाई होती है अगर बात करें तो जो जून और सितंबर में सोन किए जाते हैं खरीफ क्रॉप, जैसे कि आपका हो जाता है पैडी, मेज, सोयाबीन, तो ये सारे फसल्स जो होते हैं काटे जो जाते हैं वो ठंडी के दिनों में, अगर बात करें तो दिसंबर सॉरी आपका अक्टूबर नवंबर तक ये काटे जाते हैं। अक्टूबर नवंबर तक में ये फसल तैयार हो जाता है और ये ठंडी के दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आगे देखते हैं रबी क्रॉप्स, अब रबी क्रॉप्स क्या होता है, तो रबी क्रॉप्स के बारे में हम देख रहे हैं कि रबी क्रॉप्स जो होता है आपका ग्रो किया जाता है विंटर सीजन में, यानी इसको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है गर्मी के दिनों में, जब गर्मी शुरू होती है तब इसका स्टार्टिंग में हार्वेस्टिंग होता है। जैसे हम गेहूं की बात करें तो अभी जो सीज़न चल रहा है वो आपका जो भी गांव से विलेज से बिलोंग करते होंगे बच्चे, वो उन्हें पता होगा कि अभी के टाइम में क्या होता है, गेहूं का हार्वेस्टिंग यानी व्हीट का हार्वेस्टिंग हो रहा होता है, और इसके हार्वेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि हार्वेस्टिंग क्या है। बस अभी जान लीजिए कि हार्वेस्टिंग हो रही है मतलब कटाई हो रही है, यानी उसके फसल को खेत से हटाकर उससे अनाज निकाल कर वो घरों में ले जाया जा रहा है। तो ये जो हार्वेस्टिंग होती है, अगर रबी क्रॉप्स की बात करें तो रबी क्रॉप्स की जो हार्वेस्टिंग होती है वो आपका मार्च में हो जाता है, मार्च अप्रैल, ये हार्डली अप्रैल अप्रैल तक में ये हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप्स, अब बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप्स में क्या समझेंगे हम लोग, तो बेसिक प्रैक्टिस यानी इसको हम लोग जो ग्रो करने के लिए जो बेसिक चीज़ें करते हैं वो क्या क्या चीज़ें करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बारे में अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप्स, तो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप्स में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे कल्टीवेशन, तो सबसे पहला बात करते हैं
Cultivation involved several activities undertaken by the farmer over a period of the time. अब कल्टीवेशन में क्या होता है? तो कल्टीवेशन जो होता है वो किसका होता है? क्रॉप्स का होता है. क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है. बात करते हैं कि कल्टीवेशन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना होता है जो कि एक फार्मर के द्वारा किया जाता है. ठीक है. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाई द गार्डनियर और इवन बाई यू वैन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस. अब देखिए, जैसे आप घर में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लावर लगाते होंगे, मनी प्लांट्स लगाते हैं, ये सारी चीज़ें लगाते हैं. ठीक है. अब आपका अगर बगीचा होगा, घर के आंगन होंगे, तो उसमें बहुत सारी तरीके के फ्लावर्स लगाते हैं, तो उसका जिस तरीके से आप देख रेख करते हैं, जिस तरीके से वो ग्रो करते हैं, तो ठीक वैसे ही क्रॉप्स जो होते हैं फार्मर के द्वारा देख रेख में उगाए जाते हैं. एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस के लिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है. जैसे एक्टिविटीज़ जो हैं, सबसे पहला तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. तो पहला है क्या आपका प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, दूसरा है सोइंग सीड, तीसरा है एडिंग मैन्योर और द फर्टिलाइजर, चौथा है आपका इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. तो चलिए, ये हमारे पास 7 टॉपिक है. इन 7 टॉपिक को हम लोग समझेंगे. सबसे पहला तो है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल क्या होता है? तो यानी सॉइल की तैयारी. अब सॉइल की भी तैयारी होती होगी, जाहिर सी बात है कि अगर ग्रो किया जाता है फसल, तो उसके लिए सॉइल का प्रिपरेशन होता होगा. करते हैं कि सॉइल प्रिपरेशन में होता है क्या. सॉइल प्रिपरेशन में क्या होता है कि मिट्टी की जुताई होती है. मिट्टी की जुताई, इसको हल्का करना होता है. हल्का करने के बाद आपको क्या करना होता है, इसका जब जुताई होती है तो नीचे वाली मिट्टी जो होती है ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाती है. इससे क्या होता है, जुताई ऐसे की जाती है. जुताई आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फार्मर जो है अपने बैलों के सहारे क्या कर रहा है, खेतों की प्लॉइंग कर रही है, जुताई कर रही है. तो जुताई करने के दरमियान क्या होता है कि जब बीच से ये जो पोर्शन है, ये बीच से जब ये हल है, प्लाऊ है, जब ये बीच से मिट्टी को खोदना शुरू करता है, तो ये जो पोर्शन, साइड वाला जो पोर्शन होता है, साइड का जो पोर्शन होता है, ये जो साइड पोर्शन होता है, ये क्या होता है, टर्न हो जाता है, उल्टा हो जाता है ऐसे, और इधर से ये ऐसे हो जाता है. इस तरीके से आपका क्या होता है, मिट्टी ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाती है. और इससे क्या होता है कि मॉइस्चर, साथ ही साथ एयर, ये सारी चीज़ें सॉइल में ट्रैप होता है. अब इसका बेनिफिट क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे बाद में. अब ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे कि ऐसा करने से क्या बेनिफिट होता है. तो हम देखते हैं कि जब लूज होता है सॉइल, जब सॉइल क्या हो जाता है, लूज होता है, तो अलाउ करता है रूट को ब्रीद करने में ईजिली और इवन स्प्रेड होने में और बहुत ही डीप तक सॉइल में जाने के लिए. यानी जब क्रॉप का, जो फसल का जो जड़ होता है, वो जब हल्का मिट्टी होता है तो बहुत ही अंदर तक जाता है और वहाँ से मॉइस्चर एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ों को ईजिली ऑब्जर्व कर पाता है और एक बेहतर फसल, एक गुड क्रॉप्स ग्रो होता है. अब लूजन सॉइल जो होता है, हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ द अर्थ बॉम एंड द माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल. अब यहाँ पे और भी बात कर लेते हैं कि जब सॉइल लूज होता है तो क्या क्या होता है, अर्थ बॉम एंड माइक्रोब्स, ये सारी चीज़ें क्या होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं कि ग्रो करते हैं. और ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, बचपन में ही पढ़े होंगे कि अर्थ बॉम क्या होता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर. अर्थ बॉम क्या होता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर. तो अगर अर्थ वर्म खेतों में बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे, ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हमारे फसल अच्छे ग्रो होंगे, क्योंकि वो अर्थ वर्म जो है वो क्या करेगा, एक बर्मी कंपोस्ट के जैसा वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारे खेतों में की फर्टिलिटी यानी फर्टाइल होने, जो उपजाऊ होती है वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी खेत. अब नेक्स्ट है हमारा, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर. ये यहाँ भी लिखा हुआ है और आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि जो ये ऑर्गेनिज्म होता है, अर्थ बॉम एंड द माइक्रोब्स, ये क्या होते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर. सिंस दे फॉर द टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट, व्हाट वाई डज द सॉइल नीड टू टर्न द लूजन. अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, अब इसको हमें क्या करना होता है, लूज़ क्यों करना होता है, उसके बारे में बात करें.
जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें जो सॉइल को होता है टर्न एंड द लूजन क्यों करना होता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये सब क्यों करना होता है? तो सबसे पहला कि सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और उसमें वाटर, एयर एंड द सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें सॉइल में होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं डेड प्लांट्स एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक टू इन टू द सॉइल। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग के खेतों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे अगर बात करें अर्थ बॉम होते हैं, तो अर्थ बॉम क्या होते हैं, जो फसल का रिमेन्स पार्ट होता है, या कह सकते हैं कि जो जड़ बच जाता है उसको सड़ा कर फिर से उसी खेत में खाद के रूप में क्या होता है, न्यूट्रिएंट बनाकर उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स अगेन ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो वापस खेतों में जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके द्वारा जो बनाया गया है उसको फिर से क्या किया जाता है, आपको खेतों में जो लगाए गए फसल होते हैं उसके द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। और भी बात करें तो हाँ, यहाँ पे जैसे लिखा जा रहा है कि टर्निंग एंड द लूजिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ द लूजिंग एंड द टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। दिस इज डन बाई द यूजिंग द प्लाव। और प्लाव की बात करें तो प्लाव कैसा होता है, प्लाव के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। ये क्या होता है, प्लाउज होता है मेड ऑफ द वुडन और आयरन, ये लकड़ी और आयरन का बना होता है। वैसे तो अभी इसका यूज़ बहुत कम होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। अभी तो बहुत सारे जो होते हैं आधुनिक जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसके थ्रू क्या होता है, प्लॉइंग होती है, टिलिंग होती है, जैसे पावर टिलर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सारी चीज़ों से अभी खेतों में जुताई होती है। लेकिन पहले क्या होता था, बैलों के हेल्प से क्या होता था, एक लकड़ी का लकड़ी और आयरन का एक बना हुआ हल होता था, कुछ इस तरीके से होता था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है ये क्या है, ये हल है क्या, प्लाव। प्लाव में क्या होता था, बीच में बस ये होता था। तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है कि ये क्या है, आपका प्लाव है। प्लाव का अलग अलग पार्ट है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे आपका प्लाव शाफ्ट है, फिर आपका बात किया जाए तो प्लाव शेयर है और बीम है। ये जो आपका पार्ट है ये क्या है, बीम, जो दोनों बैलों के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लाव का पार्ट है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर प्लॉइंग और टिलिंग है क्या। तो प्लॉइंग और टिलिंग ये दोनों चीज़ों के बारे में हम समझ लेते हैं कि प्लॉइंग एंड टिलिंग क्या होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ द लूजनिंग एंड द टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग और प्लॉइंग। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, दिस इज डन बाय द प्लाव। अब ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने पहले बात कर लिया है कि क्या होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, अब खेतों की जुताई करने के बाद क्या होता है, कुछ बड़े बड़े जो मिट्टी का जो पार्ट होते हैं, मिट्टी का एक बड़ा बड़ा सा कह सकते हैं क्रम्स बन जाते हैं। ठीक है, पीस बन जाता है, उसको क्या करना होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है या छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर ट्रैप हो। अब इससे क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि एक तो हो गया कि वो लेवलिंग भी हो जाती है, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एयर ट्रैप होता है सॉइल में। जितना ज़्यादा एयर ट्रैप होगा उतनी अच्छी फसल भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो एक यूज़ करते हैं लेवल होता है जब सीड सो कर देते हैं। अब लेबलिंग करने से एक बेनिफिट और होता है कि जब हम इरिगेशन करते हैं तो आसानी से हर जगह पे क्या होता है, वाटर पहुंच जाता है।
यानी इसे लेबलिंग करने से हमारा दो फ़ायदा। सबसे पहला तो आपका क्या होता है, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में बट जाते हैं, यानी छोटा छोटा पीस बन जाता है सॉइल का, जिससे ज़्यादा मात्रा में एयर ट्रैप होता है। और भी बात करें तो हम यहाँ पे जो सॉइल होते हैं लेवलिंग करने के बाद इजीली इरिगेट करने में हमें आसानी होती है। कहीं पे ऊंचा नीचा होने पे क्या होता है कि जब हम इरिगेशन करते हैं तो वहाँ पे जो ऊंचा जगह होता है उस पे पानी नहीं पहुँच पाता और वहाँ की फसलों को पर्याप्त मात्रा में वाटर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए लेबलिंग करने से एक और बेनिफिट होता है कि हर जगह क्या होता है इक्वली क्या होता है इक्वल हो जाता है, जिसके कारण हम एक जगह पे भी पानी देते हैं प्लांट में, एक जगह से पानी छोड़ देते हैं तो वो सारे खेतों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर इरिगेट हो जाता है। बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो हम कर रहे थे, आपका प्लॉइंग कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे टूल यूज़ होते हैं, जिसमें पहला आपका बहुत सारा प्लाव हो, कल्टीवेटर, ये सारी चीज़ें जो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है।